नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक पिता की आंखों के सामने ही कैसे काल के गाल में समा गया एक मासूम। साथ ही आपको बताएंगे सोनभद्र में दस्तावेजों में सड़क बनाकर लोक निर्माण विभाग में ही लाखों रुपए का बंदरबांट हो गया। लेकिन सत्याग्रह में सबसे पहले आज बात होगी राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की और मतदान के दौरान विपक्ष के वोटों में बिखराव। देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला 776 सांसद और देश भर के करीब 4033 विधायकों के वोटों के साथ मतपेटियों में कैद हो गया। आज संसद के मानसून सत्र के आगाज के मौके पर राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, ताकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए तमाम सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। और अब 21 जुलाई को देश को पता चलेगा कि राष्ट्रपति भवन के दरवाजे किसके लिए खोले जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू के लिए या फिर यशवंत सिन्हा के। देश के सर्वोच्च पद पर कौन विराजमान होगा, 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर कौन शपथ लेगा, ये सस्पेंस राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज हुई वोटिंग के बाद इन मतपेटियों में बंद हो गया। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, जिसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट डालकर किया। कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में हैं, जिनके लिए संसद भवन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव समेत कई दिग्गज सांसदों ने मतदान किया। वहीं आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गहमा गहमी रही। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता पक्ष के विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में मत डाले, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ सपा विधायकों ने अपने वोट डाले। रही हैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने तय कर लिया है कि एक आदिवासी बहन को देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठते सभी लोग देखना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा हूं और देश में कम से कम कोई ऐसा हो जो समय समय पर ये बता सके सरकार को कि अर्थव्यवस्था के हालात क्या हैं। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव की मतगणना 21 जुलाई को होगी और 25 जुलाई को देश को पता चलेगा कि महामहिम के पद को कौन सुशोभित करेगा। भाजपा के धुर विरोधी बन चुके यशवंत सिन्हा या आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी द्रौपदी मुर्मू। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच जारी कलह आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की वोटिंग के दौरान भी जारी रही। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये तो 21 जुलाई को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच छिड़ी सियासी जंग कहां जाकर थमेगी, ये बड़ा सवाल। छब्बीस साल पुराने एक अखबार की इस कतरन से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच 7 साल से चले आ रहे टकराव को निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। सपा विधायक होते हुए आज शिवपाल यादव ने अपने कहे मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए न सिर्फ एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, बल्कि एक बार फिर कह दिया कि नेताजी का अपमान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं है। जो नेताजी पर ISI का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक अखबार की पुरानी कटिंग ट्वीट करके अखिलेश यादव पर तंज कसा था कि जिन यशवंत सिन्हा को आज अखिलेश यादव राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने ही 26 साल पहले अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव पर ISI का एजेंट होने का आरोप लगाया था। केशव मौर्य के इसी ट्वीट के बाद शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव पर मुलायम सिंह का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन आज अखिलेश ने इशारों इशारों में आरोप लगाया कि चाचा शिवपाल भाजपा के इशारों पर नाच रहे हैं। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ है, दिल्ली से इशारा हुआ, जो डिप्टी सीएम ने वही न्यूज जो पुरानी थी निकाल करके ट्वीट किया और उसके बाद वो सर्कुलेट की गई। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है, और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई इस नई तकरार से नौबत यहां तक आ चुकी है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर विरोधी पक्ष को वोट देने के लिए अब शिवपाल यादव पर कार्रवाई की चर्चाएं भी तैरने लगी हैं। लेकिन मुलायम सिंह के सम्मान के नाम पर इस बार शिवपाल यादव भी बैकफुट पर आने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से ठीक पहले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए की थी। लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष से जिस तरह की तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि यशवंत सिन्हा का अंतरात्मा वाला दांव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया। दरअसल आज खबर आई थी कि बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजील इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग कर। हालांकि एबीपी गंगा के संपर्क करने पर शहजील इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग करने की खबरों का खंडन किया, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक वो सामने नहीं आए। जनसत्ता दल के राजा भैया ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट करेगी, लेकिन राजा भैया ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट का जो तंज कसा उसे यकीन में बदल रही है शिवपाल यादव के साथ खड़े सपा विधायक शहजील इस्लाम की तस्वीर। खबरें हैं कि शहजील इस्लाम ने पार्टी लाइन से अलग जाकर क्रॉस वोटिंग की, जिसे और हवा दे दी वोटिंग के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस बयान ने। अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट प्रदान किया है या देने जा रहे हैं। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने ताल ठोकते हुए कहा था कि वो यशवंत सिन्हा को वोट करने जा रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट सपा के विधायक पल्लवी पटेल जब वोट डालकर निकली तो उन्होंने ये संकेत देने से इनकार कर दिया कि वो किसे राष्ट्रपति पद पर देखना चाहते हैं। चुनाव इस देश के प्रथम नागरिक के लिए है जो देश को आगे सफलता के बहुत बड़े आयाम तक ले जा सकता है, और ऐसे में यदि मुझे अपना भी उसमें पार्ट देना है तो मैंने पूरा सोच विचार करके उसमें अपना सहयोग किया है। हालांकि सपा खेमे में आई क्रॉस वोटिंग की खबरों पर आजम खान का कहना था कि अगर पार्टी लाइन से जाकर किसी ने विरोधी पक्ष को वोट दिया तो ये अच्छा नहीं सुना है। जैसे आपने सुना है वैसे मैंने सुना है, क्योंकि गुप्त मतदान होता है तो इसे तस्दीक से तो नहीं कह सकते, अगर ऐसा हुआ है तो नामुनासिब बात है। लेकिन जनसत्ता दल अध्यक्ष राजा भैया जब वोट डालकर सामने आए तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे शंका को और बल दे दिया कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले सपा विधायकों को एकजुट करने के लिए रविवार को अखिलेश यादव की डिनर पार्टी नाकाम हो गई। मैं पहले भी कह चुका हूं, आदरणीय मोदी जी को बधाई कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जिनके समर्थन में भाजपा के सहयोगी दलों के अतिरिक्त और भी कई दल सामने आए हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उसी क्रम में जनसत्ता दल द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करता है। तो वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन सवाल कई बचे हैं और सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने सभी सदस्यों से अपील की थी कि अंतरात्मा की आवाज़ सुने वोट दें, उनका मतलब ये था कि जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं वो भी विचार करें, लेकिन लगता है कि जो उनके वोटर थे उनकी अंतरात्मा ज्यादा जग गई, उन्होंने ज्यादा सुन ली। देखिए अवधेश, यशवंत सिन्हा ने कहा अंतरात्मा की आवाज सुने और समाजवादी पार्टी के लिए वो एक ब्रह्म वाक्य हो गया, और कल रात में विधायक ताहिर खान के घर पे एक बैठक बुलाई गई, वो डिनर पार्टी थी, लेकिन पार्टी का मकसद ये था कि सभी विधायक इकट्ठे हो और ये तय कर लें कि कल कैसे वोटिंग करनी है, क्या रणनीति होगी। समाजवादी पार्टी ने व्हिप भी जारी किया था कि कोई पार्टी लाइन से इतर नहीं जाएगा, यानी यशवंत सिन्हा के अलावा किसी को भी वोट नहीं देगा, अगर ऐसा करता है तो अनुशासन के खिलाफ होगा, अनुशासनहीनता होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि आज जो नज़ारे विधानसभा के अंदर देखने को मिले वो एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन तक पहुंच बनाई जाए और उनको अपने खेमे में लाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है
तो वो प्राण प्रतिष्ठा का विषय बना लेती है। इसके पहले तमाम चुनाव हमने देखे और अब राष्ट्रपति का चुनाव, हालांकि 278 के आसपास सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, यहाँ पर विधानसभा में सांसद भी अच्छे खासे हैं, तो यहाँ से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। और रायसीना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ के वोटों का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो सबसे ज़्यादा है, चाहे विधायक का वोट हो चाहे सांसद का वोट हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इसीलिए यहाँ के वोटों की कीमत ज़्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोट पहले ही मिल रहे थे, उनकी अपनी पार्टी लाइन के लोग हैं, विधायक हैं, तमाम सहयोगी दलों के लोग हैं, लेकिन सपा के खेमे में सेंधमारी एक अलग उद्देश्य था और ये उद्देश्य जीजी विशा का है, जुझारूपन का है। इससे पता लगता है कि पार्टी चुनाव को लेकर कितना गंभीर है, चाहे वो छोटा सा पंचायत स्तर का चुनाव हो या राष्ट्रपति जैसा सबसे बड़ा चुनाव। लेकिन सवाल भी कब ये उठ रहा है कि जिन लोगों पर शिवपाल यादव सबके दायरे में, शर्जिल इस्लाम और पल्लवी पटेल को लग रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की होगी, पार्टी लाइन से अलग गए हैं, कार्रवाई की स्थिति बन रही है क्या? बिल्कुल, देखिए व्हिप जारी करने का उद्देश्य ही यही होता है कि उनको अंदाजा था कि वोट बैंक में सेंधमारी होगी, हमारे विधायकों को खींचा जाएगा, प्रभाव डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा, समाजवादी पार्टी को ये आशंका थी, इसीलिए व्हिप जारी किया। व्हिप जारी करने का एक मकसद होता है कि अगर कोई पार्टी लाइन से इतर जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और सदस्यता उसकी निरस्त भी की जा सकती है, यानी इतनी गंभीर कार्रवाई होती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हिप जारी करने की जरूरत नहीं होती है, इसको संविधान विशेषज्ञ जो है वो स्पष्ट रूप से बता सकेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मन में जो डर था वो ये था कि हमारे विधायक टूट सकते हैं, विपक्षी खेमे में जा सकते हैं। ये कल रात को भी देखने को मिला, अब्दुल्ला आजम भी नहीं आए, उन्होंने वोट ही नहीं डाला, नाहिद हसन बिल्कुल उनका वोट नहीं पड़ा क्योंकि वो जेल में है, यानी सत्य परिणत हो गई और तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ गई कि विपक्ष की जो एकता थी वो धरी रह गई और कुछ क्रॉस वोटिंग हो ही गई। शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए अपडेट्स। लोकसभा के हॉल में आज जय भारत जय भोजपुरी और जय हिंद जय बांग्ला के नारे लगे, वजह थी लोकसभा में सुपरस्टार सांसदों की एंट्री। लोकसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया, चार नए सांसदों ने शपथ ली जिसमें दो सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ और शत्रुघ्न सिन्हा भी। लोकसभा के मॉनसून के सत्र के पहले दिन सिनेमा के दो सुपरस्टारों ने शपथ ली। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लाल किले में सेंध लगाने वाले भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ की। दिनेश लाल यादव जब लोकसभा में शपथ लेने आए तो उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान, संघर्ष की खुशी थी। दरअसल यूपी के आजमगढ़ सीट से निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव को 8,000 से ज्यादा मतों से मात देकर कमल खिलाया। लोकसभा में इस समय भोजपुरी सिनेमा के तीन सुपरस्टार सांसद हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, गोरखपुर से रवि किशन और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बतौर सांसद शपथ ली। इस दौरान उनका दो बार पीएम मोदी से आमना सामना हुआ। शपथ पूरी करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा जब स्पीकर के पास जाने लगे तो उनका सामना एक बार फिर पीएम से हुआ। दोनों ने हाथ जोड़कर एक बार फिर अभिवादन किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से भाजपा के घनश्याम लोधी, आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा, पंजाब के संगरूर से शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में सदस्यता की शपथ ली। चार नए सदस्यों के शपथ लेने के साथ लोकसभा की सभी 543 सीटें भर गई हैं। और अब फटाफट अंदाज में देखिए इस वक्त की टॉप 7 खबर। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला, 21 जुलाई को होगी मतगणना। जीएसटी को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पतन, सावन के पहले सोमवार पर जनता को सरकार का तोहफा। सिंगापुर दौरे को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा अपराधी नहीं चुना हुआ सीएम हूं। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मानसून सत्र में सभी दलों के सांसदों से सहयोग की उम्मीद जताई। गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बुलाई बैठक, सभी नेता मौजूद रहे। एमपी के नर्मदापुरम में बारिश में बहा नेशनल हाईवे का पुल, तवा डैम के सभी गेट खोले गए। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश में डूबी कार, कार सवार लोगों की बचाई जान। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका के मामले में सीधे तौर पर कोई दखल देने के बजाय मथुरा की जिला अदालत को 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद मामले में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर आज जिला कोर्ट को 3 महीने में फैसला करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मथुरा की अदालत में पिछले साल एक अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी, जो मथुरा की अदालत में अभी लंबित थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव और हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र सिंह की तरफ से दाखिल की गई थी। याचिका पर आज जस्टिस विपिन चंद दीक्षित की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से एक एप्लीकेशन साइंटिफिक सर्वे के लिए दाखिल हुई थी 14/7 को और वो तब से आज तक पेंडिंग है, पिछले एक साल से करीब पेंडिंग है वो एप्लीकेशन, जिसके खिलाफ हमने आज माननीय न्यायालय में हमारा रिट पिटीशन फाइल हुआ था। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन को लेकर लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। इस मामले में मथुरा की जिला अदालत में कई सिविल सूट पेंडिंग हैं। विवादित जमीन के एएसआई से खुदाई कराकर वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर मथुरा की अदालत में पिछले साल अप्रैल महीने में एक अर्जी दाखिल की गई थी। कहा गया कि एएसआई सर्वेक्षण के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि ईदगाह की जगह पहले मंदिर हुआ करता था। एएसआई सर्वेक्षण में मंदिर के पुराने अवशेष मस्जिद के नीचे मिलने का दावा किया गया। याचिका में मांग की गई कि अदालत विवादित परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश जारी करे। इसी पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सवाल उठाते हुए 14 जुलाई को कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एएसआई सर्वेक्षण याचिका को खारिज किए जाने की अपील की। मथुरा में भी और आगरा में जो मुस्लिम कंस्ट्रक्शन है जानारा, उसके अंदर दबाए हुए हैं, उसको बरी करे हुए हैं, क्योंकि वही एक चीज़ अगर जब एएसआई से होती है इन्वेस्टिगेशन तो वो जायज होती है, क्योंकि वो साइंटिफिक होती है। इसके बाद माना जा रहा है कि ईदगाह के विवादित परिसर का साइंटिफिक सर्वे हो सकेगा। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। यूपी सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस के तहत काम हो रहा है, लेकिन एक जिले में इस दावे की हवा निकल गई। फर्जीवाड़ा ऐसा है कि खुद अधिकारी शिकायत कर रहे हैं। रिपोर्ट। लखनऊ से जीरो टॉलरेंस का दावा, सोनभद्र पहुंचने तक हवा हवाई हो जाता है, जिसका खुलासा पीडब्ल्यूडी विभाग के कनिष्ठ सहायक की तरफ से की गई शिकायतों से हुआ है। सोनभद्र के नक्सल प्रभावित इलाकों की सड़कों को बनाने में भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के निर्माण खंड 2 में न सिर्फ नियमों को दरकिनार किया गया, बल्कि टेंडर निरस्त होने पर भी फर्जी भुगतान कर लाखों की बंदरबांट का खुलासा हुआ है। सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, जैसे में स्टेशनरी के नाम पे जांच का विषय है, जब वाउचर निकलेगा तो लाखों रुपया उसमें घोटाला किए हैं। सड़क निर्माण में जैसे सड़क निर्माण में टेंडर में अनियमितता की है, शासनादेश के विपरीत अनुबंध गठित करना। दरअसल विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने कई सड़कों को लेकर लाखों की गड़बड़ी की है, यहाँ तक कि एक ही सड़क के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पैसा लेकर बंदरबांट कर लिया गया। इस खुलासे के बाद धमकियां भी मिलने लगी हैं। कोई ठेकेदार था, कहा कि हमारी रोड है, महंगी पड़ जाएगी, 10 लाख खर्चा कर देंगे, ये कर देंगे, जो कह रहा है कि सरईगढ़ का हमारा रोड है, हमें जो खर्चा करना है तो हत्या हो जाएगी। फोन पे कर रहा था, हमें रोड तो आपका है नहीं, रोड तो गवर्नमेंट का है, तो वही धमकी उमकी दे रहा था। हालांकि इस भ्रष्टाचार पर लखनऊ से एक्शन शुरू हो चुका है और अधीक्षण अभियंता की तरफ से जांच शुरू हो गई है, लेकिन कार्रवाई कब तक हो पाती है इसका इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट। दिखाएंगे कई अहम खबरें, लेकिन नोएडा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिल्कुल, नोएडा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अल्ट्रासाउंड जांच रिपोर्ट में जीवित बच्चे को मृत दिखाया गया है। निजी अस्पताल की जांच रिपोर्ट में बच्चे को ठीक बताया, परिजनों ने अस्पताल में जमकर जिसके बाद हंगामा कर दिया है।
तो बड़ी लापरवाही हुई है। जिला अस्पताल में थोड़ी दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक आए थे, तैयारियों को बेहतर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड जांच रिपोर्ट में जीवित बच्चे को मृत दिखा दिया गया। निजी अस्पताल की जांच में पता चला कि बच्चा एकदम ठीक था। यूपी की राजधानी में पालतू पिटबुल के आतंक ने पूरे देश में दहशत फैला दी, लेकिन अब जो सनसनीखेज घटना सामने आई वो ज्यादा खतरनाक। एक बंदर ने पूरे परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया, कैसे और क्या हुआ था देखिए इस रिपोर्ट। ये बंदर कितने खतरनाक हो सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इन बंदरों से सावधान रहना कितना जरूरी है वो इस रिपोर्ट से समझ जाएंगे। बंदर खतरनाक होते हैं ये आपने सुना होगा, लेकिन बरेली के दुनका कस्बा में बंदरों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। बरेली में इन दिनों बंदरों का इस कदर आतंक बढ़ गया है कि बंदर अब लोगों की जान भी लेने लगे हैं। जी हां, ताजा मामला शाही थाना क्षेत्र के दुनका कस्बे का है, जहां एक पिता अपने 4 महीने के दुधमेह बच्चे को जब छत पर गर्मी में ले गया टहलाने के लिए, उस दौरान उसकी गोद से छीन कर बंदरों ने उस बच्चे को 3 मंजिल से नीचे फेंक दिया। बंदरों के आतंक से यूं तो वन मंत्री अरुण कुमार का पूरा क्षेत्र परेशान है, लेकिन इस मासूम के पिता को गहरा सदमा लगा है, जिसके घर 7 साल बाद खुशी आई। 4-5 बंदरों का झुंड आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरी गोदी से बच्चे को छीन लिया उन्होंने, और जब मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उसने छज्जे पे से बच्चे को नीचे फेंक दिया। बरेली में बंदरों के आतंक की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक कुखार बंदर एक बुजुर्ग की जान ले चुके हैं। आलम यह है कि रोजाना 20 से ज्यादा लोग बंदरों के हमले का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो जहां ये रहते हैं वहां के लोगों को थोड़ा सावधानी तो बरतनी होगी, खासकर छत वगैरह पे जाते हैं और कुछ डंडे वगैरह के साथ जाए ऊपर जाते हैं तो बंदर का खतरा हो। बंदर के आतंक से परेशान लोगों को प्रशासन की तरफ से सिर्फ हिदायत मिलती है। कुछ वक्त पहले भी नगर निगम की तरफ से बंदर पकड़ने का टेंडर जारी हुआ था, लेकिन आज तक ना तो बंदरों का उत्पात कम हुआ न ही कोई और ठोस कदम उठाया गया। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अरुण मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। अब मॉल में नमाज पर लखनऊ से दिल्ली तक सियासी सरगर्म जारी है, यहाँ तक कि अब संसद में पूजा पर सवाल। लुलु मॉल पर लखनऊ से शुरू हुआ संग्राम दिल्ली तक पहुंच गया है। नमाज पर शुरू हुआ विवाद हनुमान चालीसा के बाद भी खत्म नहीं हुआ। लखनऊ में नया नया बना लुलु मॉल अब शॉपिंग से ज्यादा सियासत के लिए मशहूर हो गया है। नमाज से शुरू हुई लड़ाई, प्रदर्शन और हनुमान चालीसा पाठ तक आ गई है, लेकिन विवाद अभी जस के तस बरकरार है, या फिर ये कहें कि विवाद एक कदम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के संसद में पूजा पर सवाल खड़े करने के बाद घमासान तेज हो गया है। ऐसा है, शफीकुर रहमान जो है हमेशा नकारात्मक बोलते हैं और इस देश की पवित्र मिट्टी की जो सुगंध है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इन सब लोगों की जो नकारात्मक सोच है वो देश को नुकसान पहुंचाने वाली है, देश को तोड़ने वाली है, सामाजिक विषमता को समाज के अंदर जहर फैलाने वाली है, और उनको अपने इस रवैये में परिवर्तन करना चाहिए। शफीकुर रहमान वर्ग से पहले सपा विधायक आजम खान ने भी इशारों में तंज कसा था। सियासी सेंटर बने लुलु मॉल को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। इस बीच सपा विधायक इरफान सोलंकी की गाड़ी तोड़े जाने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।
लुलू मॉल में कभी नमाज हो रही है, कभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो कोई लुलू मॉल के बायकॉट करने की धमकी दे रहा है। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में पुलिस ने अपने सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ा दिए हैं। आप देख रहे हैं, मैं इस समय लुलू मॉल में मौजूद हूँ और पीछे ठीक पीछे ड्रोन से निगरानी हो रही है। ये धर्मेंद्र कुमार यादव हैं, सब इंस्पेक्टर, जो ड्रोन चला रहे हैं। आप सामने वो ड्रोन देख रहे हैं, ड्रोन से पूरे लुलू मॉल का, जो बहुत बड़े एरिए में फैला हुआ है, चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। न सिर्फ ड्रोन से निगरानी की जा रही है, साथ ही मॉल के आसपास हर किसी पर नजर रखी जा रही है। चूंकि वीकेंड पर अत्यधिक संख्या में लोग यहाँ आए थे, जैसा मुझे बताया गया 1 लाख के ऊपर की भीड़ यहाँ थी, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था यहाँ पर बढ़ानी पड़ी और सड़कों पर लोग वाहन छोड़कर सीधे अंदर मॉल में चले जा रहे थे। कार्रवाई चल रही है, धीरे धीरे पुलिस फोर्स यथा आवश्यकता कम की जाएगी और उतनी ही रहने दी जाएगी जितनी की आवश्यकता है। और चलिए अब बात लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर की। 2 विधान परिषद सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होना है। 11 अगस्त को दोनों सीटों पर उपचुनाव होगा। 25 जुलाई को जारी होगी उपचुनाव की अधिसूचना। तो दरअसल एक सीट अहमद हसन के निधन से खाली हुई, सपा के वरिष्ठ नेता रहे और सपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, जबकि दूसरी सीट जो है वो जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई है और अब 1 अगस्त को नामांकन करने का आखिरी दिन है। तो 2 MLC जो सीट हैं, 2 विधान परिषद सीटें, उस पर चुनाव की जो तारीख है वो सामने आ गई है। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 2 विधान परिषद की जो सीटें हैं उस पर उपचुनाव होगा। अगले महीने ही MLC का उपचुनाव होना है, 25 जुलाई को, जिसके लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। एक सीट अहमद हसन के निधन के बाद खाली हुई है और जो दूसरी सीट है वो जयवीर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 1 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। तो हम आपको यूपी की तमाम खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जाने का प्लान है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी। मानसून की दस्तक के बाद पूरे उत्तराखंड में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन मुश्किलें फिर भी बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी है, नदी नाले उफान पर हैं, तो दरकते पहाड़ कई जिंदगियों के लिए कब्रगाह बन चुके हैं। लेकिन यह आफत अभी थमने वाली नहीं है, अगले कुछ दिनों में फिर से मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट खासतौर पर 7 जिले, जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए है। इसके अलावा नदी नालों के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर जाने की बात कही गई है, साथ ही किसानों को फल सब्जियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ बांध प्रबंधन अधिकारियों को भी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। जो 18 से लेकर 22 तक का पीरियड है, तो उसमें बारिश अच्छी खासी बढ़ जाएंगी और जो एक्टिव मानसून कंडीशंस है वो देखने को प्रदेश में मिलेंगी, और जिसके चलते आप देखेंगे जहां हल्की मध्यम बारिश तो सब ज़्यादातर जगहों में उस दौरान मिलेगी 18 से 22 के बीच अगर बात करें जुलाई में, लेकिन साथ साथ में जो हैवी, वेरी हैवी रेन्स है वो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो उस दौरान मैं ये कहूँगा कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा जो है, जो पहाड़ों में है, आवागमन जो है काफ़ी सतर्क होकर करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत जो है होगी उसमें। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां लोग पहले से ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक बेहद सावधानी से रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए फटाफट देखिए इस वक्त की टॉप 7 खबरें। मध्य प्रदेश के रीवा में चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। कांग्रेस के नारायण गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी से हारे थे पार्षद का चुनाव। मध्य प्रदेश के धार में इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नर्मदा में गिरी, 13 की मौत, 22
से 27 लापता बस सवार थे 50 से ज्यादा लोग। अर्थ न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर यूपी में दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने की मांग। जुबैर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। सीजीआई ने कहा मामले को जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मेंशन करें। तमिलनाडु के कला कुरीची में कल हुई हिंसा के बाद आज सुरक्षा की गई पुख्ता। कल एक छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़की थी हिंसा। पंजाब के मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने गोपी राणा गैंग के बदमाशों को एक होटल में घेरा। 3 गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ा। गैंगस्टर और पुलिसकर्मी भी घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ के बीच सेना ने 2 लोगों का रेस्क्यू किया। बेतार नदी में उफान के बीच फंसे दोनों सेना की दुर्गा बटालियन ने बचाया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,935 नए केस सामने आए। इस दौरान 51 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के 1,44,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अलीगढ़ से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। सामूहिक विवाह उत्सव में जब अफसर नाम का दूल्हा मंडप में पहुंचा तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। और हैरान होना वाजिब है, दूल्हे ने एक ऐसी माला पहनी थी जो अब तक का सबसे अनोखा और अनदेखा शादी का हार है। दूल्हे ने अपनी शादी के मौके पर गले में जो माला पहनी है, ना तो ये 500 के नोट है और ना ही 2000 वाले गुलाबी नोट। वीडियो में नजर आ रहे ये नोट कुछ अलग हैं, अनोखे हैं, नए से हैं। अच्छा, ये जो दूल्हा है ये डॉलर पहने हुए हैं, ये कहाँ के डॉलर है? क्या कहाँ के? अमेरिका के डॉलर। कहाँ से आए थे आपके पास? आज केरल से। अलीगढ़ के राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता संघ के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक दूल्हा चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है उसके गले में ये माला। दूल्हे के परिवार वालों ने दावा किया है कि दूल्हे ने अमेरिकी डॉलर की माला पहनी है जिसकी कीमत पूरे 11 लाख रुपए है। अच्छा, ये जो दूल्हा है ये डॉलर पहने हुए हैं, ये कहाँ के डॉलर है? क्या कहाँ के? अमेरिका के डॉलर। कहाँ से आए थे आपके पास? आज केरल से। केरल से। कितने डॉलर का हार है ये? 11 लाख। 11 लाख का हार। दरअसल दूल्हे के घर वाले इस शादी की तैयारी काफी पहले से कर रहे थे और ये माला उसी तैयारी का एक हिस्सा है। जब दूल्हा अपने गले में अमेरिकी डॉलर का हार पहनकर दुल्हन से निकाह करने पर जब मंडप में पहुंचा तो सब चौंक गए। हालांकि अमेरिकी डॉलर के ये नोट असली हैं या नकली घर वाले बता नहीं पाए। एक डॉलर कितने का है इसमें? नोट असली है या नकली इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और ना एबीपी गंगा इसकी पुष्टि करता है। लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि डॉलर वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी जिससे सबसे ज्यादा खुशहाल एक 14 साल की बच्ची हुई। इस नन्ही कलाकार की प्रतिभा अद्भुत है जिसके दम पर उसने अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये जालौन की वो अद्भुत कलाकार हैं जिसने खेलने वाले क्यूब से प्रधानमंत्री मोदी की खूबसूरत तस्वीर बनाई है। जालौन के उरई की रहने वाली नन्ही कलाकार प्रज्ञा माहेश्वरी की माने तो वो प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं और जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात देने की खुशी में उन्होंने ये तस्वीर प्रधानमंत्री को समर्पित की है। कल वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे तो उसमें समर्पित करने के लिए मैंने क्यूब से फोटो बनाई है। प्रज्ञा की माने तो वो ऐसी तस्वीर सिर्फ 2 से 3 घंटे में बना देती है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले भी वो कई बड़े कलाकारों की तस्वीर बनाकर सबका दिल जीत चुकी है। मेरी बेटी ने अभी मोदी जी आए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, उनको उपहार देने के लिए उसने रूबिक्स क्यूब से फोटो बनाई। ये 2-3 घंटे में फोटो बना लेती है। समय तो असीमित था इसके पास में क्योंकि आजकल इसका पैशन ही ये है कि दिन रात 24 घंटे इसके हाथ में रूबिक्स क्यूब होता है और जब देखो उसी से खेलती रहती है और अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। क्यूब से प्रधानमंत्री की तस्वीर बनाने वाली प्रज्ञा की कलाकारी का हर कोई फैन है। 14 साल की उम्र में ही वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आज सावन का पहला सोमवार है। आज के दिन सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सावन के पहले सोमवार पर भोलेनाथ के मंदिर भक्तों से गुलजार रहे।
तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश भर में हर जगह शिवालयों में श्रद्धालुओं को ताता रहा। भक्तिमय माहौल के बीच सभी भक्तों ने पूजा अर्चना की। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, बुलंदशहर, मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं और शिव की नगरी वाराणसी से लेकर संगम नगरी प्रयागराज तक हर जगह भक्तों में उत्साह रहा। बिल्कुल देखिए अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़, बाराबंकी, बहराइच, औरैया, पीलीभीत और चित्रकूट की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सावन का महीना है और जब लोग दूर दूर से अपने घर तक कावड़ लाते हैं, जश्न मनाते हैं। जैसे जैसे कुछ और वक्त बीतेगा तो आपको पग पग पर शिव भक्त नजर आएंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी तस्वीरें भी दिखेंगी जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। जब जब सावन आता है तब तब शिव भक्तों का सैलाब ऐसे ही नजर आता है। भोले बाबा की भक्ति में डूबे शिव भक्तों की ये तस्वीर सबको उमंग और उत्साह से सराबोर कर देती है। तो वहीं कई जगह शिव भक्तों की ये गलती जान पर भारी पड़ जाती है। ये अलग अलग जगह की दो तस्वीरें हैं, एक उत्साह बढ़ाती है तो दूसरी टेंशन। बुलंदशहर में जहां कावड़ियों की टोली का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, वहीं बरेली के इस हुड़दंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बरेली की इन तस्वीरों को जिसने देखा वो बेचैन हो गया। प्राइवेट बस में बैठे कुछ युवक इस कदर हुड़दंग करते नजर आए जो खुद की जान को ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन बैठे और उनकी इस हरकत को शायद ही कोई जायज ठहरा पाए। लेकिन बुलंदशहर से आए शिव भक्तों का ये वीडियो भोले के भक्तों को काफी पसंद आ रहा है, जहां कावड़ियों का ये झुंड बम बम भोले के गानों पर डांस में मस्त नजर आ रहा है। लेकिन बुलंदशहर और बरेली दोनों जगह की तस्वीरों से सब यही कहेंगे कि बरेली की तस्वीरें सभी शिव भक्तों को दुख देने वाली हैं। एबीपी गंगा भी आपसे अपील करता है कि ऐसा आप ना खुद करें और ना ही किसी को करने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।